बढ़ते ठंड को देखते हुए जहां राज्य सरकार ने अगले 15 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल बंद का आदेश दिया है, वहीं वे बच्चे घरों से ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल जाकर अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेते नजर आ रहे हैं। इस बाबत शिक्षकों का कहना है कि बच्चे काफ़ी जागरूक हैं, साथ ही साथ उनके अभिभावक भी समय पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा देते हैं। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चों का एक भी लेसन छूट नहीं रहा। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। एक विद्यालय में बच्चे आते हैं, आप उनके चेहरे को देखते हैं, और एक ऑनलाइन क्लास, दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो रहा है? सामंजस्य तो मैं पहले सोची थी कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बता नहीं सकती, जस्ट अपोजिट हुआ। इसका मैं एक दो एग्जांपल भी आपको बता सकती हूँ कि कैसे बच्चों ने, लिखना तो छोड़िए आप, स्पोकन कैसे बच्चे बोल रहे हैं। मैं जो भी क्लास में बात करती हूँ उसका वीडियो मैं शेयर करती हूँ पेरेंट्स को, और पेरेंट्स उसके जस्ट फोटो कॉपी की तरह अपने बच्चों को रेडी करते हैं। चूंकि एक बड़ी बात होती है मैम, चूंकि सब बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल वो नहीं होता है, तो कैसे ये सारा चीज़ नहीं हो, अभी तक विशेष में ऐसा है कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ पर बहुत फोकस दिया है। अगर मेरे बच्चे का कुछ खिलौना नहीं है वो मैं नहीं लूँगा, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन मैं बिल्कुल लूँगा। तो पेरेंट्स काफ़ी सहयोग कर रहे हैं मैनेजमेंट को, टीचर्स को। व्हाट्स योर नेम मैम? माय नेम इज श्वेता सिन्हा, आई एम क्लास टीचर ऑफ क्लास नर्सरी। चूंकि स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर रही हैं, घर से आ रही हैं, बच्चों के प्रति अपना समय दे रही हैं, ऑनलाइन क्लास में बच्चे कितना सार्थक प्रयास चल रही है? ठीक है, जहाँ तक देखा जा रहा है हम लोग भी चाह रहे हैं बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर ना हो, और पेरेंट्स भी थोड़े वरिड हैं अब अचानक से स्कूल बंद हो जाने के कारण। तो पेरेंट्स भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमें लाइव देखते थे, अभी वो लोग कैमरे में भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। व्हाट्स योर नेम? प्रतिभा सिंह।